बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल में नकली चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में ऐसी काली भेड़े मौजूद होती हैं जो किसी न किसी तरकीब से अपने इदारे को चूना लगाती हैं। मोबाइल इंडस्ट्री भी इससे महफूज नहीं है। मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी काली भेड़े हैं जो गैर महसूस अंदाज में अपने अपने इदारों को चूना लगाती हैं, और इस चूने में बहुत सारे लोग, जिसमें हमारे कुछ डीलर, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ कंपनी के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं, ताकि अगर किसी एक के मामलात को हवा लगे तो दूसरा उसको संभाल ले। ऐसे ही होता है कि गुज़िश्ता जो भी सिस्टम चल रहा है उनमें से मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि एक इदारे का एक शख्स जिस तनख्वाह पे काम कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पे 10 रुपये पे वो काम करता है और उसमें से 50 या 60% खर्च हो जाते हैं, तो 5 रुपये या 4 रुपये उसको बचने चाहिए। 10 रुपये भी अगर उसको बचते हैं, टोटल वो खला में से खाना खाता है, अपने अहले खाना पार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी 10 रुपये के हिसाब से साल के बनते हैं 120 रुपये, और 10 साल के बनेंगे इसी तरह 12,000 रुपये। तो मेन चीज़ ये 1200 रुपये, सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी ज़िंदगी की भी अगर वो मेहनत लगाएगा जायज़, तो कोई गाड़ी, कोई फ्लैट, कोई कारोबार कर नहीं सकता। जबकि अगर देखा जाए, बहुत सारी कंपनी के नुमाइंदे ऐसे हैं, ये आपको तेल का खेत स्टोरी तफसीलन देनी पड़ेगी ताकि आपकी समझ में आए, लेकिन मोटे अल्फाज इस टाइम मैं समझा रहा हूँ आपको कि वो इतने ज़बरदस्त पावरफुल हो चुके हैं सिर्फ़ चंद सालों में, के गैर मुल्की दौरे भी हो रहे हैं, उनके फैमिली समेत भी जा रहे हैं, ख़ुद भी घूम रहे हैं, और शाहाना अंदाज़ है रहाइश का, और उनके जो करीबी अजीज़ हैं, यानी मतलब जो जोजा मोहतरमा हैं, बच्चे हैं, साले हैं, बहनोई हैं, या इस टाइप की चीज़ें, उनके मामलात भी ऊंची सतह पर हैं। इन दिनों तो हालात बहुत पतले हैं, लेकिन इसके बावजूद इन दिनों भी लोगों ने अपनी एलोकेशन बढ़ाने के लिए, किसी के अगर 50 है पीस की इदारे की तरफ से, तो वो उसको अगर 1 पर 3,000 बचते हैं तो उसको 100-200 पे कन्वर्ट कर दिया जाता है बास जगह पर, और उसमें अंडर हैंड कारोबार ज़िंदगी चल जाता है। ये इत्तलात गर्दिश कर रही हैं, सही है या गलत, ये तो खैर फैसला हमारा काम ही नहीं है, प्राइवेट इदारे हैं, वो इदारे ख़ुद तहकीक करें, लोग ख़ुद तहकीक करें। ज़बान खल्क नकारा खुदा कहलाता है, तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि कौन क्या खा रहा है और क्या पी रहा है। तो ये बहुत तेज़ी से फ़रोग हो रहा है, और इसके लिए एक लंबी स्टोरी की ज़रूरत है जो इस वक्त फ़िलहाल वक्त कम होने की वजह से नहीं बता सकते। इसी तरह बहुत सारे लोग जो किसी कंपनी में छोटी सीट पर थे, रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नवाज़ा, वो आगे की तरफ गए, उसी तरह उनकी जो मैं स्केल से लेके हर चीज़ बता चुका हूँ, तो उनका अंदाज़े, यानी अंदाज़े बयां तो तब्दील हुआ, अंदाज़े गुजरगाना जो कहते हैं, गुजारने का अंदाज़ भी बदल गया। बहुत सौ की माशाल्लाह औलादें हाई एजुकेशन में पढ़ती हैं, जिसकी आम आदमी, मिडिल क्लास का आदमी माहाना फीस का सोच भी नहीं सकता। बहुत सारे मामला चल रहे हैं, इनके लिए एक तफसीली, लेकिन कंपनियों को चाहिए, फ़िलहाल वक्ती तौर पे मैं कह रहा हूँ, बाकायदा तो उसके बाद तो आपको बड़ी स्टोरी दूँगा मैं कि कौन कहाँ पहुँच गया, तो उसमें चेक एंड बैलेंस लगाया जाए। ऐसे ही बहुत सारे मामला चल रहे हैं जिसमें अंडर हैंड बहुत सारे मामला उरूज पे पहुंच चुके हैं, यानी
चंद दिन पहले भी एक बड़ी डील अंडर हैंड हुई है, वो भी आपको गोशे गुजार करूँगा दबाव डाल के। इसी तरह आपको ये बताऊँगा कि कंपनी किस तरह चल रही है, किस तरह ब्लैकमेल करते हैं जो लोग बैठे हुए हैं अपने अपने अंदाज में, और आपको कुछ मारूफ शख्सियत के कच्चे चट्टे भी पेश करूँगा ताकि आपके जहन में रहे कि कौन जान साहब हाजी सनाउल्ला कैसे बने हुए हैं। तो वो तो पता चलना चाहिए हमको भी और लोगों को भी, इसकी कहानियाँ चलती रहेंगी। लेकिन मैं दूँगा आपको इससे एक पॉइंट्स दे रहा हूँ ताकि आप अपनी नज़र अर्द गिर्द की तरफ दौड़ाएँ तो आपको नज़र आएंगे बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज़। ये मैं आपको बयान करूंगा। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। लोग आज की दुनिया में जो साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, जाते आते हैं, उनमें भी अपने अपने मफादात की जंग जारी है। गुज़श्ता दिनों एक स्टोरी ब्रेक की गई थी मार्केट में, जिसकी मैंने आपको तब्दील भी की थी, किसी एक दो चार लोगों की स्टोरीज दी गई थी कि इनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही है और इनके ख़िलाफ़ ये हो रहा है और किसी के ख़िलाफ़ ये होना चाहिए, किसी के ख़िलाफ़ ये नहीं होना चाहिए। ये स्टोरीज चलती रहती है, लोग अपने अपने मफादात की जंग लड़ते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं किसी किसी ना अंदाज में, और वो अंदाज बढ़ता जा रहा है और अब खुल्लम खुल्ला महाजराई की तरफ चलता जा रहा है। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि बहुत सारे धमाके होने जा रहे हैं मार्केट में हमारी पाकिस्तान की, और बहुत सारे लोग इधर से उधर होने जा रहे हैं, और बहुत सारे जो बी जमालो हैं वो बेनकाब होने जा रहे हैं। ये नाचीज़ करता रहेगा। और इसी के साथ आपको ये बता दूं कि उस गेम के पीछे भी एक मौजूद शख्सियत का हाथ था, और वो किसके इशारे पे किसने चलाया ये नाचीज़ बहुत अच्छी तरह जानता है, और उसको तरदीद भी हमने इसी बिना पे की थी कि ऐसा नहीं है, और अब जो हो रहा है वो भी मुझे इस नाचीज़ को अच्छी तरह इल्म है। तो बेहतरीन बात ये है कि अगर आप कोई फ़ैसले करें तो अल्लाह की तरफ देखें कि अल्लाह ही राजी के, अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ या मैं किसी के ख़िलाफ़ जाता हूँ तो खुदा ही है, उसको आपकी मेरी शरक से ज़्यादा करीब है और वो बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो ये तमीद इस वजह से मान रहा हूँ कि यहाँ लोगों की जंग ज़ातियात पे होती जा रही है। बहुत सारे दोस्त मेहरबान एक दूसरे के पीछे दस्ते गिरेबान हैं, और इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक ज़माना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है के मुहावरे में, ये आपको इलम ही होगा कि क्यों कह रहा हूँ मैं। ये चंद दिन में आपको स्टोरी आ जाएगी, लेकिन किस तरह आती है, लेकिन मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि ये होने जा रहा है। बहुत सारे लोग बेनकाब होने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कारामद होने जा रहे हैं। अब कौन किस तरह मुँह करता है और कौन किस तरह आता और जाता है, ये आपके सामने चंद दिन में आ जाएगा। यहाँ ये इस वक्त मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल अब आम जो अफराद हैं, आम जो रिहाइश इस्तेमाल करने वाले, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल हैं, अब वो भी इसकी ख़तरनाक जद में आ गए हैं। इसमें आप ये समझ लें कि 5,000 से लेके 25,000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है मोटरसाइकिलों की कीमत में भी। अब मोटरसाइकिल जो 50,000 रुपये की थी वो लॉक क्रॉस कर चुकी है, जो ब्रांडेड है मतलब बड़े ब्रांड की हैं मोटरसाइकिलें, सबसे छोटी वो भी 1.25 लाख से आगे चली गई हैं और अब 1.5 लाख पे पहुंच गई हैं। इसी तरह दूसरी जो गाड़ियां 1 लाख रुपये की थी वो 2.5 लाख पे पहुंच गई हैं मोटरसाइकिलें। अब गरीब आदमी की पहुँच से मोटरसाइकिल, अभी साइकिलों के रेट भी ऊपर आसमान पर पहुँच रहे हैं, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, साइकिल भी आपकी रेंज से बाहर ना हो जाए। तो भूलिए नहीं, उसकी वजह यह है कि रेट तेज़ी से ऊपर जा रहा है। गाड़ियों में 3 लाख रुपए से लेके 7-8-10 लाख रुपए तक इजाफा हो चला है। अपनी मर्ज़ी के रेट कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के प्लांट बंद कर रहे हैं, इसके बावजूद के मुआहदा है हुकूमत के साथ, उस मुआहदे के तहत ही रेट बढ़ा सकते हैं। यहाँ ये भी मैं आपको बताऊँ कि रेट रिवर्स होते हैं डॉलर्स के, तो ये रेट रिवर्स नहीं करते, बीच में
डॉलर नीचे चला गया था काफ़ी, मगर इन्होंने कोई प्राइस कम नहीं की थी। प्राइस बढ़ा दी तो बढ़ा दी, कम नहीं करना है आपने। तो प्लीज़ ज़रा हुकूमत को चाहिए वो चेक एंड बैलेंस रखे, मोटरसाइकिल मालकान को भी काबू में करे, और कारों के जो असम्बलिंग प्लांट की इजाज़त दे रखी है, असम्बल इन पाकिस्तान हो रहे हैं, उन पे भी ज़रा दबाव डालें, ताकि आम आदमी समझे कि ये हमारे मुल्क के मफाद में काम कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, जाने से पहले फिर सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।